हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार, आज हम जा रहे हैं फाइनली स्कॉर्पियो को बुक करने के लिए, तो चलते हैं शोरूम में और पता करते हैं स्टेटस क्या है गाड़ी का। गाड़ी अभी लॉन्च 22 तारीख को होगी, लेकिन हाँ, कई बार ये अनऑफिशियल बुकिंग ले लेते हैं शोरूम, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं बुकिंग होती है या नहीं होती है, या फिर कुछ और डेट बताते हैं। वट एवर इज़ द केस, लेट्स सी। चलिए, गाड़ी ले कौन रहा है? अरे हाँ यार, ये तो मैंने बताया नहीं। देखो, मेरे पास तो अभी हैं गाड़ियाँ, तो ऐसा सच मुझे ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। स्कॉर्पियो नो डाउट मेरा लव है, लेकिन अमित के पास अभी प्रेजेंट में भी S11 है और लड़का आगे भी अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने के मूड में है, तो ये गाड़ी हम अमित को दिलाएंगे। तो ये अमित के लिए गिफ्ट भी हो सकता है, मैं देखूँगी कितना मेरा बजट अलाउ करता है। ठीक है अमित, नहीं तो तू खुद ही ले लेना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ऐसा भी हो सकता चक्कर है। हाँ, गिफ्ट का भी चक्कर है। फिर ठीक है, ठीक है, चलो फिर बुकिंग करने चलो जल्दी यार। हाँ, बुकिंग करते हैं कार की और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भैया, स्कॉर्पियो अभी वाली है, नई वाली पे बिल्कुल दिल आ चुका है, नई वाली बुक करेंगे। सबसे पहले खरीदने की कोशिश करते हैं उस गाड़ी को, है ना? खरीदने की कोशिश? हाँ, कोशिश क्या होती है, खरीद लेंगे। ये होती है कि सबसे पहले आने से पहले बुक कर दो उसे, तो पहले हमें मिल जाएगी, है ना? हाँ, उस पर मुझे लग रहा है वेटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है गाड़ी पे। और ना, एक मुझे वो भी लगता है, जैसे मारुति वालों की एक स्ट्रैटेजी है ना, जब वो गाड़ियों की बुकिंग लेते हैं ना, और जब गाड़ी को वो लॉन्च करते हैं, जब वो शोरूम्स में कार को लाते हैं, तो उतनी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं जितनी बुकिंग आई हुई हैं, तो उसमें वेटिंग बहुत ज़्यादा कम होती है स्टार्टिंग वाले कस्टमर्स के लिए। बाद में तो चलिए थोड़ी थोड़ी होती रहती है, तो मे बी महिंद्रा भी इस बार इस स्ट्रैटेजी पर काम करे। अदरवाइज़ अगर XUV700 वाला हाल हुआ भाई, फिर तो देख ले, एक साल की वेटिंग है। इन वेटिंग में देखेंगे, स्कॉर्पियो आनी चाहिए, फिर कुछ भी हो जाए स्कॉर्पियो रुकनी चाहिए। ठीक है, नहीं रुकेगी भाई, नहीं रुकेगी। इसे वो कन्वर्ट करवा देते हैं, व्हाट? GR स्पोर्ट वाला। GR स्पोर्ट ही ले लेंगे। लोग अभी हम हजम नहीं होते, आगे तो बिल्कुल ही नहीं होने वाले। ये वैसे रहेगी तो फॉर्च्यूनर ही, अगर इसमें किटविट लगवा देगी तो ये कुछ और बन जाएगी। चुप। चौधरी साहब, यार भाई सुन मेरी बात, मैं नॉर्मल कुछ बोलूँगी, कोई अपने दिल पे इतना ज़्यादा ले जाएगा, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। अरे नहीं, चलो प्लेन की बात करते हैं, प्लेन उड़ रहा है। देख, जो सामने गाड़ी है ना, दैट इज 100% इलेक्ट्रिक और उसमें बसंत लिखा है। इससे कम भी होती है 10-20-30%? 80% इलेक्ट्रिक। हाँ, हाइब्रिड नहीं होती क्या? तो देख देख, हमारी वेटिंग खड़े हैं, खड़े आ जा बेटा, बत्ती तो तोड़ो तुम्हारी ऐसी की तैसी। जब तक वो नेल कटर से अपने सारे नेल्स काट लिए उन्होंने, कानून का पंजा तुम्हें गिरफ्त में लेकर। अभी तो करो नेल काट के, और वो बिल्कुल पहने नहीं जाता स्टार्टिंग वाले। पंजा पहना कर लिया। ओ बेटे, मौज कर दी। और शादियां वादियां बड़ी हो रही है आजकल, बहुत शादियां हैं यार। तुम जा रही कहीं? गर्मी कर, गर्मी में ना वो कपड़े देख के और गर्मी सी लगने लग जाती है। बात वो नहीं है कि सब जगह एसी है, बात है कि नहीं कैसे पहने, कि वो इतना टॉर्चर करना खुद को। मैं तो कहता हूँ शादी इतनी इंपॉर्टेंट है, शादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है हर चीज इग्नोर कर दो तुम, शादी जरूर करनी चाहिए भाई। मतलब शादी तो करनी चाहिए, जनरली बोल रहा हूँ, घर में कुछ भी हो रहा हो शादी जरूरी है भाई। ये किससे बातें कर रहा है? कौन वो आदमी? कौन आदमी? पीछे था वो, ऐसे ऐसे कर रहा था एकदम सही। आ रही है तेरी कसम, पीछे गाड़ी में बैठा था। अरे नॉनसेंस, रोड पे था। अरे यार, मैंने कहा तूने क्या देख लिया, पता नहीं ऊपर शीशे वीशे में कोई आदमी बैठा था पीछे। इस पे इस्तरी करके लाई है क्या मास्क? उसने इतने सारे वो मोती चूर के लड्डू होते हैं ना, पता नहीं कैसे तो खा सकता, और वो भी इतने सारे एक खाते हैं। लगा अरुण ने ज्यादा खाए थे, मैंने खाए थे, तूने खाए थे? अरुण ने तो टोटली एक खाया है, तूने तो डब्बा खत्म किया है। मेरे सामने खा गया तो। हाँ बे, रहने दे तू। अरे अरुण से लोगों को याद आ जाएगा, एक वीडियो में हमने बोला था एजेंट ए है हमारा। इस एजेंट का हम नाम नहीं बता सकते, इसका नाम एजेंट यार, ए है। लेफ्ट में तो रास्ता जा रहा है, इन्होंने बंद किया हुआ है। यार नहीं यार, किसी भी टाइम अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं। प्लीज प्लीज ब्रो, प्लीज उनके दो बेटे, एक का नाम है सन्नी, एक का नाम है पुनीत। या उसी में चला, अपने वाले में चला।
अपना क्या है, जहाँ से गाड़ी मिलेगी वही अपना है भाई, जो गाड़ी जल्दी देगा। थार वाले में चलता है, उसके पास होगी गाड़ी कोई अभी। अरे गाड़ी किसके पास होगी, गाड़ी है क्या खाली तू? गाड़ी गाड़ी यार, गाड़ी होनी चाहिए उनके पास। हाँ जरूर जी जरूर। अरे तो वो बना के भी तो रख देते हैं डेमो कार। हाँ प्लास्टिक की। हाँ टॉय नहीं आ जाते पहले ही मार्केट में। ओए अमित, फन एंड फूड विलेज। अरे डरा दिया यार तो भाई, बोला कर सब फन एंड फूड विलेज। ये देखिए उठा लिया, ये क्यों ले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कुछ भी उठा सकता है, मर्जी है तेरी, तू भी उठा। अरे क्या कर रहे है? कोई भी कुछ भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। इतने बड़े बड़े शोरूम है, मुझे शॉपिंग करने का मन कर रहा है यार। एक ना फन एंड फूड से अगर तुझे जाना है, तेरे को वाटर पार्क बड़ा पसंद है, तो एक वो आया था सर्वे, फन एंड फूड का नहीं था लेकिन यस कोई वही था, वाटर पार्क था। तो उसमें ये आया था कि उन्होंने पानी भरा उसके अंदर 230 लीटर, तो जब उसको चेक किया दोबारा शाम को तो वो 250 लीटर था। 230 से 250। हाय हाय छी, इतनी गंदी बात क्यों बताई है। ओ भगवान, तो तब से मेरे को बिल्कुल मेरा विश्वास उठ चुका है, मैं नहीं जाने वाली वाटर पार्क। मारो मुझे। एक बार हम लोग ना वहां गए थे ऋषिकेश, तो हम कई सारे फ्रेंड्स थे, 5-6 दोस्त गए थे हम लोग। तो मेरी एक फ्रेंड थी मानसी, तो वहाँ पे ना वो होती है, वो जो एक लंबी सी कुछ होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, याच बोलते हैं क्या बोलते हैं, लंबा सा कुछ होता है पानी का, उसके ऊपर बैठते हो आप, पीछे आप बैठते हो, आगे एक बंदा बैठा होता है और बड़ी तेज़ तेज़ चलाता है उसे। तो उसकी पहली हालत टाइट थी, वो डरी हुई थी, फिर उसने बहुत तेज़ चलाया, बहुत तेज़ चलाया, उसको बड़ी अच्छी लग रही थी, वो ज़्यादा हीरो भी बन रहा था। तो उसने इतनी तेज़ चलाया कि थोड़ी देर में वो पलट गई, तो पलट गई मानसी, गिर गई, तो डरी हुई थी पहले ही, ऊपर से जब पलट जाएगी तो पता क्या किया उसने। क्या किया? जो भी किया डर के मारे कर दिया। सुसू कर दी। और मेरा दोस्त था दूसरा लव, वो एकदम उसके पास जाके हंस रहा, अरे क्यों हुआ, डर गई, गिर गई और उस पानी में डुबकियां मार रहा और उसको मना कर रही। वो उसको इशारे कर करके मना कर रही है, नहीं नहीं, नहीं। पूरा नाम बता देती हूँ आपको मैं, ताकि कोई डिटेल मिस ना हो जाए। लव का पूरा नाम है लवलीश चाहर, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ये। नंबर ही बताते हैं, 98 99 99 95 95 लिखते सर। तो ये दो ये दो गूगल लोकेशन भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लव के घर की, जिसको भी जाना है चले जाना, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई वो नहीं कर रही पार्शियलिटी, अगर मानसी ने किया होता मानसी की डिटेल दे देती भाई। मानसी यूएस में रहती थी डिटेल? मानसी यूएस में बोस्टन में रहती है। टर्निंग रेडियस देखा था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त है। तू टर्न ले रहा है, तुझे एकदम से टर्निंग रेडियस, दो साइड दो टायर ऐसे हवा में होने चाहिए। मैं तेरे साथ चलूंगी भाई। मैं गया था तेरे साथ जब तेरी बुक हुई थी। हां मैं तेरे साथ जाऊंगी। चल Z101 करके और ऑफिशियली जो लॉन्च होनी है गाड़ी, वो 27 जून को होनी है।
तभी मैं आपको बुकिंग से रिलेटेड और फीचर्स और वेरिएंट्स जितने भी है वो स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता पाऊंगा। ओके, उससे पहले अभी कोई अनऑफिशियल बुकिंग ऐसा कुछ ले रहे हैं आप? अभी मैम कहीं भी पैन इंडिया अभी आप कहीं भी सिंगल बुकिंग नहीं लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच निखिल, आप फिर कॉल करके बता देंगे, डिटेल्स मैंने दे दी हैं वहाँ पर। ठीक है, आप अमित को बता दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जो निखिल हैं ये अमित के दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ये दोनों, तो हमें एक और एडवांटेज हो गई है कि निखिल हमें बहुत जल्दी इन्फॉर्म करेगा एंड होपफुली सबसे पहले हम गाड़ी बुक करेंगे। तो चलिए दोस्त, अभी बुकिंग नहीं हो रही है, जब गाड़ी लॉन्च हो जाएगी हमारी 27 जून को तो फिर बुकिंग ओपन हो जाएगी, फिर हम लोग आएंगे दोबारा, फिर गाड़ी को आपको दिखाएंगे भी और बुक भी करेंगे, और बुक सबसे पहले हम करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस हो चुका है इनसे। तो ट्राई करेंगे, वैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, हमसे पहले भी कुछ आ सकता है, ऐसी कोई रेस में नहीं है हम लोग। चलिए चलते हैं आप घर, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल।